ये देखिए, ये हमारी रोटी बिल्कुल बारीक हो गई है। अब हम इसको एक प्याले में निकाल देंगे और अब हम इसी तरीके से हमारी ये जो दूसरी बची हुई रोटियां हैं, ये जो दूसरी बची हुई रोटियां हैं, इनको भी मैं मिक्सी में चला लूंगी। इस हमने ठंडी रोटी को पीस लिया था, फिर इसको गोल्डन ब्राउन तक हम इसको सेक रहे हैं। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसमें आप अभी इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। और अब हम इसमें, हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, थोड़ा ठंडा भी हो गया है, अब हम इसमें हमारा बूरा ऐड करेंगे। बूरा हमेशा ठंडा होने के बाद ही ऐड करा जाता है, नहीं तो बूरा पानी छोड़ देता है। बूरे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा गाइस। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। आप इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भेजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।